नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा और आप देख रहे हैं अलेवा ब्रेकिंग न्यूज़। आज हम मौजूद हैं अलेवा गांव में और आप देखिए अलेवा गांव में 24वीं जो है शिव डाक कावड़ जा रही है हरिद्वार के लिए। शिव भक्त यहां पर काफ़ी इकट्ठा हुए हैं जो कि डाक कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, शिव डाक कावड़ संघ के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बलकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप शिव डाक कावड़ लेने जा रहे हैं, शिव भक्त हैं आप, तो सर आप कितने 24वीं बार आप खुद जा रहे हैं? आपकी बार लगातार 24वीं है हमारी है। लगातार 24 बार जा रहे हैं, तो देखिए लगातार 24 बार ये जा रहे हैं और आपके साथ कुछ नए भी होंगे? नए पुराने भी बहुत हैं, जैसे ये 20 साल से है सुरेश जी और ये है 15 साल से है हमारे साथ। अजीत है बहुत पुराना, ये भी कई साल से है, 30 है जैसे, कई साल से हमारे साथ। कई कावड़िए तो 12-12 साल से हैं, 15-15 साल से हैं, कई मान ले 18 साल के भी हैं, मेरे 24 साल के, कई नए भी आए हैं शिव भक्त जो हैं। तो एक बार आप सभी जय भोलेनाथ की बोल दें। हाँ, बोल शंकर भगवान की जय हो। बम बम बोल बम 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 बोल शंकर भगवान की जय। तो देखिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है शिव डाक कावड़ लेने जा रहे शिव भक्तों के बीच में। और इसमें क्या, जो आप फोर व्हीलर ले जा रहे हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है आप साथ में लेके जा रहे हैं? टोटली हमारे पास सारा कुछ है, बाइक भी है, खाना वगैरह सारा हमारा खुद का, हम किसी का नहीं रास्ते में खाया करते। अगर मान ले कोई मिल भी जाता है हमारे को भंडारा, तो हम अपना दान दे के वहाँ से निकल जाते हैं, हम खुद का अपना ही खाते हैं। तो देखिए लंगर सेवा की फैसिलिटी भी साथ में दी गई है शिव भक्तों की। जो शिव भक्त कावड़ लेने जा रहे हैं, इनकी सफल यात्रा के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय भोलेनाथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक।